चलो बच्चों स्टार्ट करें। सो वेलकम बैक टू यो यो। आयो समझ में? आयो प्रेम रतन धन आयो। अब आज के बायो क्लास में वी विल कंटिन्यू विद ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे पिछले लेक्चर में हम लोग ने इस सिस्टम का हाफ पार्ट स्टडी किया था। आज की क्लास में हम लोग टेस्टिस का सबसे पहले एक डायग्राम का अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। मान लीजिए एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर, जैसे मान लो एक एग, बॉइल्ड एग, ओके। इस एग को अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो इसके टू पार्ट्स हो जाएंगे। अब ऊपर का पार्ट हटा देते हैं, इस वाले पार्ट में आजू बाजू में व्हाइट कलर का पार्ट होगा और सेंटर में येलो वाला पार्ट होगा बेटा, ओके। सो कट सरफेस को जब मैं देखूंगा तो क्या नजर आएगा, वैसे ही इस एग के बदले आप सोचो टेस्टिस। टेस्टिस को अगर ऐसे कट किया तो टेस्टिस टू इक्वल पार्ट में ओपन हो जाएगा। अब इस कट सरफेस में बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल नजर आते हैं, उसको सेमिनिफेरस टिब्यूल बोलते हैं। अब इन सब में से एक ही सर्कल हम लोग जूम करके ड्रॉ करेंगे, बाकी सारे के सारे सर्कल में सेम चीजें होंगी जो इस सर्कल में हम देखेंगे बेटा, ओके। अब ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ मत करना, इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अभी खाली मैं ड्रॉ करते करते तुमको समझा दूंगा, ठीक है। इसको खाली ऑब्जर्व करो बेटा। इस सेंटर वाले सर्कल को पहले डार्क कर लेते हैं, अब ये है एक सेमिनिफेरस टिब्यूल बेटा। अब ऐसे ही यहां पर भी एक और सर्कल होगा, दैट विल बी सेमिनिफेरस टिब्यूल। यहां पर भी एक और सर्कल होगा। अब इमेजिन करो ऐसा पूरा सर्कल होता है बेटा, बट क्या है बार बार सब स्ट्रक्चर्स क्यों रिपीट करना, एक ही पार्ट अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, ओके। क्योंकि जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं, हम लोग एक ही पे फोकस करेंगे, बाकी उस माइक्रोस्कोपिक फील्ड में आधे वाले जो पार्ट है वो कट हो जाएंगे बेटा, ओके। सो सेम तरीके से यहां पे हम लोग ऐसे कर्वेचर ड्रॉ करके रखते हैं। इस कर्वेचर का मतलब होगा कि ये भी पूरा एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये भी एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है बेटा। नाउ इस डायग्राम की स्पेशलिटी ये होगी कि जैसे आपका एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो आप सर्कल के बीच बीच में एट रेगुलर इंटरवल्स आप ऐसे लंबे लंबे सेल्स बना लीजिए, ओके। अब सेम चीजें यहां भी रिपीट होगी, सब मैं एक एक ड्रॉ कर लेता हूं। अब जितना पार्ट हमने ड्रॉ किया है उसका नेमिंग भी फिनिश करते जाते हैं। तो हमने देखा कि ये जो सर्कल है दिस इज सेमिनिफेरस टिब्यूल, ओके। ये जो लंबे वाले सेल्स हैं इसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स, these are also called as nurse cells, also called as sustentacular cells। तीनों नाम याद कर लो बेटा, Sertoli cells, nurse cells और sustentacular cells। अब जब जब आप सेल बनाओगे तो आपको उसका न्यूक्लियस भी बनाना है बेटा, तो ये सब Sertoli cells है जिसका दूसरा नाम है नर्स सेल्स, तीसरा नाम है सस्टेंटिक्यूलर सेल्स। यही सेल्स डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट देते हैं बेटा, ओके। जैसे एक नर्स डॉक्टर के एब्सेंस में पेशेंट का ध्यान रखती है, पेशेंट को बताती है कि अभी खाना खा लो, अभी ये टैबलेट खा लो, ठीक है ये सिरप पी लो, So, वैसे ही डेवलपिंग स्पर्म्स का ख्याल रखने का काम है इन सेल्स का, इसलिए इसको नर्स सेल्स बोला बेटा,
फिर इसके बाद डायग्राम में एकदम स्टार्टिंग में हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाएंगे। अब ये डायग्राम इजी है बट इसका नेमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। नेमिंग याद हो गया तो डायग्राम याद हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि इस डायग्राम में ऐसे ही सेल्स ही बनाना है, तो डायग्राम टफ नहीं है, उसका नेमिंग समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सब के सब हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाए हैं बेटा, ओके, इसका नेमिंग कर देते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल सेल्स के बने, क्यूब शेप के होते हैं, ओके। नेक्स्ट, हर एक के अंदर न्यूक्लियस, टोटल ऐसे छह सेल्स के लेयर्स हैं बेटा। ये तो सिर्फ पहला वाला हुआ है, और जो चीज यहां रिपीट की है तो यहां भी होगी बेटा। सो ये भी जर्मिनल एपिथेलियम। और उसके अंदर न्यूक्लियस। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर करके ड्रॉ करूंगा। तुम लोगों को तो सिंपल पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। कलर इसलिए चेंज करूंगा ताकि तुमको अलग अलग लेयर्स के नाम पता चले बेटा। अब आप मन में सोचो, अगर ये सेल डिवाइड होके इसने और एक सेल बनाया, इसके ऊपर ये डिवाइड होके और एक सेल बनाया, तो इसके ऊपर और एक लेयर ऑफ सेल्स बनती है बेटा। अब मैं वापस से कह रहा हूं, डायग्राम इजी है क्योंकि यही चीजें रिपीट होंगी। आपको सिर्फ नेमिंग पे ध्यान देना है। टोटल ऐसे छह लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगे बेटा। नेक्स्ट, हर एक के अंदर ये क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये डायग्राम मैं इसलिए एकदम पर्टिकुलरली ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये ना थियरी एग्जाम में भी आता है बेटा। नीट में तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट थियरी एग्जाम में भी आता है कि टेस्टिस का कट सेक्शन ड्रॉ करके दिखाओ, तो अपने को ये ड्रॉ करना होता है। अभी ये सेकेंड लेयर है, इसका नेमिंग मैं यहां कर देता हूं बेटा, ये रेड वाला, इसे बोलना है स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलना है बेटा इसको? स्पर्मेटोगोनिया। तो आपने ये देखा कि टेस्टिस के अंदर हर एक सेमिनिफेरस से टिब्यूल के अंदर शुरुआत में जो लेयर ऑफ सेल्स होती है उसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। फिर जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स डिवाइड होके नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। राइट, आराम से बैठ जाए, संभाल के। अच्छा, अब इसके बाद ना बेटा हम लोग ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स। This is layer number 3 ना बेटा। टोटल कितना कहा मैंने आपसे? 6 लेयर्स बेटा।
अब थर्ड लेयर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब कमाल की बात बताता हूं, टोटल हम लोग कितने लेयर पढ़ने वाले हैं? 6, बराबर है? 6 में से कितने हो गए बेटा? 3। ये तीनों लेयर के हर एक सेल के अंदर देखोगे ना तो पता चलेगा ये सारे सेल से डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मीनिंग जानते हो आप लोग बेटा? देखो, अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हुआ तो उसको हम लोग हैप्लॉयड बोलते हैं। तो डिप्लॉयड में क्या होगा? हाँ, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। डिप्लॉयड को हमेशा 2n लिखते हैं और हैप्लॉयड को n लिखते हैं, करेक्ट है बेटा? अच्छा, तो ये हमारा थर्ड लेयर तैयार हो गया। अब इसके बाद फोर्थ लेयर पे चलते हैं। ये डायग्राम लास्ट में थोड़ा ऐसा डेंजरस दिखेगा बट मैं कह रहा हूं कि डायग्राम टफ नहीं रहेगा, आप लोग सिर्फ नेमिंग याद करते जाओ बेटा। अच्छा बच्चों, अगर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था इसके पहले वाला, तो ये क्या होना चाहिए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगर आप ये वर्ड्स सुनो जैसे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट, सब में कॉमन क्या आ रहा है? साइट। साइट का मतलब सेल होता है। यहां से याद रखना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सारे के सारे सेल्स हैप्लॉयड होंगे। I come back to the same question. Total how many layers we are going to study? 6. Out of 6, first 3 layers are diploid. The remaining 3 layers will be haploid. Okay? So secondary spermatocyte हो गया, ये haploid है। अब secondary spermatocyte के बाद 5th layer बेटा। आपका है ना ये Sertoli cell उतना ही लंबा होना चाहिए कि 5 layer accommodate हो सके बेटा। Sertoli cell छोटा नहीं draw करने का। सिक्स्थ लेयर उसके बाहर होगी, मैं बताता हूं तुमको, देखते जाओ खाली, 2 मिनट में डायग्राम फिनिश हो जाएगा। हमारे अगले क्लास के लिए ये डायग्राम सबको वन टाइम ड्रॉ करके आना है। दिस विल बी योर होमवर्क बेटा। चलिए, तो ये रेड वाले को हम लोग यहां नेम कर देते हैं, इसे बोलते हैं स्पर्मेटिड, और ये भी हैप्लॉयड होता है बेटा। कितने लेयर हो गए अभी तक? 5। एक बार रिपीट करें बेटा, फर्स्ट कौन सा था? अच्छा, जर्मिनल इसलिए बोला है क्योंकि वो जर्मिनेट करेगा ना, वही सेल से डिवाइड होके अगले लेयर ऑफ सेल्स को जन्म देंगे, इसलिए उसको जर्मिनल बोला है। सेकेंड लेयर कौन सा है? स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड। ध्यान से सुनना, मेरे आने वाले क्लास में जब स्पर्म फॉर्मेशन सिखाऊंगा तो ये पार्ट रिपीट होगा। उस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको स्पर्म के अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पता होने चाहिए। ओके, स्पर्म एक टाइम पे जर्मिनल एपिथेलियम का सेल था, फिर वही कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया में, वही आगे चल के डिवाइड होके बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
फिर वो डिवाइड होकर बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो डिवाइड होकर बनाएगा स्पर्मैटिड, फिर स्पर्मैटिड के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, और ये स्पर्मैटिड जो है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है स्पर्म में। यहां देखना ध्यान से, स्पर्म को इस तरीके से दिखाना कि उसका टेल और हेड हो, बट टेल सेंटर की तरफ होना चाहिए और हेड जो है वो सर्टोली सेल्स की तरफ होना चाहिए, क्योंकि स्पर्म को खिलाने पिलाने का काम सर्टोली सेल्स का है, इसीलिए तो सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम क्या है। और ये स्पर्म को सस्टेन करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है जब तक वो खा पी के मेच्योर नहीं हो जाता, ओके, इसलिए उसको सस्टेंडिक्यूलर सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, आप लोग ये बात तो इमेजिन कर पा रहे हो ना कि ये जो हमने ड्रॉ किया है इसी स्पीयर का आधा पार्ट है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां हम लोग रिपीट कर रहे हैं, अननेसेसरी पूरा सर्कल ड्रॉ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्हाट इज द ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द ट्रू फॉर रिमेनिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आल्सो, ओके। सो यहां भी सर्टोली सेल्स के ऊपर हम लोग स्पर्म से ड्रॉ कर लेते हैं, हर एक के ऊपर दो से तीन स्पर्म से ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ बेटा। चलिए, तो ये जो लास्ट वाला सेल है इसका नेमिंग इस तरफ कर देते हैं, इसे बोलते हैं स्पर्म, बट इसका अगर आधार कार्ड देखोगे तो इसके आधार कार्ड पे इसका पूरा नाम लिखा है स्पर्मेटोजोआ। क्या नाम है? स्पर्मेटोजोआ। जैसे प्रोटोजोआ होता है, जोआ यानी लिविंग सेल, ओके, प्रोटोजोआ, प्रोटो यानी पहला, जो प्राचीन जमाने में सबसे पहला सेल कंसीडर किया गया था जो धरती पे आया था उसको प्रोटोजोआ मानते हैं, ओके, वैसे ही स्पर्मेटोजोआ, जोआ यानी लिविंग सेल। और ये भी कैसा है? टोटल छह स्टेजेस हो गए बेटा, एक बार साथ में रिपीट करते हैं। सबसे पहले कौन सा एपिथेलियम है? अच्छा, इसके सेल्स स्क्वेमस है, कॉलमनार है कि क्यूबॉइडल है? उसके बाद कौन सा बन रहा है? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, और फाइनली स्पर्म, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ। ध्यान से सुनना, फीमेल में जब ओवम प्रोडक्शन होगा ना सेम स्टाइल में चलेगा, जब ओवरी का डायग्राम बनाएंगे वो इससे भी भयंकर होगा बेटा, बिकॉज फीमेल्स आर कॉम्प्लिकेटेड। गर्ल्स यू शुड नॉट लाफ ऑन दिस जोक, वेरी बैड, ओके। अच्छा, कमिंग बैक, सो वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें और भी ज्यादा मल्टीपल नेमिंग्स होंगे, बट कंपेयर करके चलने का, उसमें भी एक सेल का नाम आएगा जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद जैसे यहां स्पर्मेटोगोनिया है वहां पर होगा ऊगोनिया, यहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वहां होगा प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो वैसे होगा सेकेंडरी ऊसाइट, स्पर्मेटिड है तो ऊटिड, स्पर्म है तो ओवम। समझ लो, खाली वर्ड्स फ्लिप होंगे थोड़े से, ओके। चलिए, फिर इसके अलावा ना बच्चों अपने को क्या करना है, यहां पे थोड़ा बहुत अपने को जेली लाइक सब्सटेंस दिखाना है जो इसका मैट्रिक्स है, और सबसे ज्यादा मेन, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स दिखा देना है बेटा। और उसके अंदर न्यूक्लियस भी दिखाना है बेटा, ओके। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले स्टार डाल देता हूं यहां पे। इस सेल का नाम है लेडिग सेल, और क्योंकि ये दो के बीच में है इसलिए इसको इंटरस्टीशियल सेल्स बोलते हैं। एवरीबॉडी प्लीज रिमेंबर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेडिग सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टीशियल सेल्स, सर्टोली सेल वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटिक्यूलर सेल्स। Now, why Leydig cell is important? Because this is the cell which is responsible for secreting the male sex hormones, which are in general called as androgens. In other words, it is also called as testosterone. ये by heart कर लो, ये बहुत ज्यादा important है, okay?
लेडिग सेल जिसका नाम है इंटरस्टीशियल सेल्स, यही सेल्स टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं और इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। देखो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, प्राइमरी यानी जो पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी यानी जो बाद में आना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अब एक मेल का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बोलें, सो दैट कैरेक्टरिस्टिक शुड बी स्पर्म फॉर्मेशन। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यानी मेल की खूबी, मेल की प्राथमिक खूबी क्या होगी कि वो अपने गैमेट्स बनाएगा यानी स्पर्म बनाएगा। फिर उसकी सेकेंडरी क्वालिटीज क्या होगी कि उसमें फेशियल हेयर्स आएंगे, दैट इज मुस्टैच एंड बियर्ड, आवाज थोड़ी रफ हो जाएगी, फीमेल के वॉइस से उसका वॉइस डिफरेंट होगा, जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ते जाएगा तो उसके शोल्डर्स ब्रॉड होते जाएंगे, उसका हिप वाला पार्ट नैरो होते जाएगा, ओके उसको फेस पे जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव एज आएगा फेस पे थोड़े एक्ने यानी पिंपल्स आने लगेंगे, फेस के ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा काम करने लगेंगे, ओके देयर विल बी हेयर ग्रोथ ऑन चेस्ट इन अंडर आर्म्स एरिया एंड इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो ये सब एक मेल की क्वालिटी है, इस तरह से कुदरत ने एक मेल के बॉडी को बनाया है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, गैमेट बनाना, सो दैट विल बी प्रोडक्शन ऑफ ओवम। बट फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक विल बी कंट्रोल्ड बाय टू हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसमें से ज्यादातर ईस्ट्रोजन इसको कंट्रोल करेगा, प्रोजेस्टेरोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस। अब ईस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स में ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, यानी फीमेल्स में कैसा होगा ना, फेशियल हेयर नहीं होगा, होगा तो एकदम बारीक होगा जो नोटिसेबल नहीं हो पाएगा, सो एब्सेंस ऑफ फेशियल हेयर। सेकेंड, फीमेल का वॉइस विल नॉट बी एज हार्श एंड रफ एज कंपेयर टू मेल। थर्ड, फीमेल्स में जैसे जैसे फीमेल बढ़ते जाएगी उनका शोल्डर नैरो होगा, हिप्स ज्यादा ब्रॉड होगा, बिकॉज पेल्विक एरिया और हिप का एरिया, ओके उसके अंदर यूटरस है और फ्यूचर में ये पार्ट ज्यादा ग्रो होता है बिकॉज द बच्चू इज गोइंग टू एक्सपांड, तो उसके हिसाब से ये वाला पार्ट ज्यादा ब्रॉड होगा एज कंपेयर टू अ मेल का हिप्स, ये समझे बेटा। उसके साथ साथ में चेस्ट हेयर इज एब्सेंट इन फीमेल्स, ओके इंस्टेड ऑफ चेस्ट दे विल डेवलप फैट डिपोजिशन ऑन चेस्ट विच इज कॉल्ड एज मैमरी ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट। हेयर ग्रोथ विल बी सीन इन अंडर आर्म्स, एक्नेस माइट कम अप, अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी हेयर इन रिप्रोडक्टिव एरियाज। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमको यह सिखाता है कि ये जो सारे क्वालिटीज है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब आज के क्लास में आप लोग याद रखना कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेल में टेस्टोस्टेरोन की बदौलत आ रहा है, बट वो तो फिर भी इजी है, ये याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन यहां से निकल रहा है। Am I clear with this बेटा? ओके चलो अब डायग्राम का मेन नेमिंग लगा दे। कोई मुझे इसका फुल फॉर्म बताएगा? हॉरिजॉन्टल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन। वेरी गुड। IS क्यों लिखा, ES क्यों नहीं लिखा? हाँ, A की टेस्टिस को कट किया ना बेटा। अब देखो सुनो ध्यान से, पिछले क्लास में मैंने तुमसे कहा था अगर ये टेस्टिस है इसको एक अंडे की तरह इमेजिन करो, बॉइल्ड एग की तरह, इसको अगर खड़ा खड़ा कट किया तो वर्टिकल सेक्शन हो जाता है। वर्टिकल सेक्शन को लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन भी बोलते हैं, तो एग ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अब ये अगर हमने हटाया तो हमको कट सरफेस दिखेगा बेटा। अब कट सरफेस पे फिर हम लोग ने देखो लास्ट क्लास में देखा था कि भाई अंदर पार्टीशन है जिसको सेप्टा बोलते हैं, उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, उनके पाइप बाहर आते हैं, ये सारे पाइप आपस में कंबाइन होके पहले रेटेड टेस्टिस बनाते हैं, फिर वाजा इफरेंशिया नाम का पाइप निकलता है, फिर एपिडिडाइमिस निकलता है और एपिडिडाइमिस ऊपर को जाता है, इस पाइप को क्या बोलते हैं बेटा, वाजा डिफरेंशिया, ऑल्सो कॉल्ड एज वाज डिफरेंस, ऑल्सो कॉल्ड एज वाज डिफरेंस। नाउ इफ एनीबडी इज आस्किंग इन मेडिकल फील्ड हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, वाज डिफरेंस। Why? Because vast difference is present in males and it is absent in females. Remember, that's a distinguishing point. Okay, anybody who says that
male and females are same. No. There is vast difference. Okay, that becomes a play of word just for medical joke. Don't take it seriously. Okay, right? Because males and females are equal in terms of social respect. Okay. अच्छा, तो ये वाले डायग्राम को इसका उल्टा बोल देते हैं हम लोग. वर्टिकल सेक्शन और क्या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है. अब मुझे एक बात बताओ ना, अगर तुम एग को खड़ा खड़ा कट करोगे तो तुमको दिखेगा ना अंदर येलोइश पार्ट है. वो एग को बाहर से देखोगे तो व्हाइटिश दिखेगा. तो अंदर क्या क्या है वो देखने के लिए तुमने खड़ा खड़ा कट किया, और कट करने के बाद कट सरफेस को देखा ना. सो वैसे ही टेस्टिस को बाहर से देखेंगे तो ओवल दिखता है, जब खड़ा खड़ा कट करते हैं तो पता चलता है अच्छा ये सब है. अब इसी एग को अगर मैं ऐसे कट करूं तो बच्चा इफ द लाइन ऑफ डिवीजन, इफ द प्लेन ऑफ डिवीजन इज लाइक दिस, इसको ऐसे कट किया जा रहा है तो माइंड में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ऐसे ओपन हो जाएगा बेटा. करेक्ट है? अब सुनना, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी और ये भी, बराबर ऐसे बहुत सारा बेटा. बट इनमें से मैंने ये वाले को जूम किया, बोलो हाँ कि ना. अच्छा बेटा, वैसे बाजू में ये भी था ना, तो इसको पूरे को क्यों सर्कल ड्रॉ करूंगा, मैंने इसका आधा ही दिखाया ना, तो ये भी एक सर्कल है पूरा. ये समझा? ओके, थियरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है. आंसर की मजेदार बात क्या मालूम है, डायग्राम ड्रॉ करने का और ओन वर्ड्स में लिखने का, कि सबसे पहले जो सेल्स है वो जर्मिनल एपिथेलियम है, फिर इसको इंग्लिश में लिखो, द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम आर डिप्लॉइड, दे आर क्यूब लाइक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. फिर लिखो द क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ द जर्मिनल सेल्स विल डिवाइड सो एज टू फॉर्म द नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया व्हिच इज अगेन डिप्लॉइड. फिर लिखो स्पर्मेटोगोनिया विल डिवाइड फर्दर सो एज टू गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट व्हिच इज अगेन डिप्लॉइड. ऐसे लिखते जाने का कि एक के बाद एक सेल्स बन रहे, फाइनली कौन बन रहा है, स्पर्म बन रहा है. और आखिरी में ये डिस्क्राइब करना कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बीच बीच में है इनका नाम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज दे आर रिलीजिंग मेल सेक्स हॉर्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन. ये समझा? अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बातें बताता हूं. जो डायग्राम में आपको लिखना नहीं है, डायग्राम इतना ही ड्रॉ करना है जितना मैंने ड्रॉ किया, ठीक है? अब मैं कुछ और पॉइंट्स लिख रहा हूं जो आप डायग्राम में मत लिखना, ये खाली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं. इसने इसको बना के दिया, डिप्लॉइड सेल बना, यानी इनके बीच में सेल डिवीजन क्या हुआ होगा, बिकॉज माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, सो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिखेगा ना. अच्छा, फिर वापस डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बना, ये सेल डिवीजन में क्या होगा, हाँ. अब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना, परफेक्ट. बट क्या बोला मालूम है, मियोसिस वन होगा. फिर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बना, दिस विल बी मियोसिस टू. और उसके बाद ये कोई माइटोसिस मियोसिस नहीं है, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है ना तो थोड़ा सा सिर्फ शेप साइज और रीअरेंजमेंट होता है कंटेंट का. ओके, सो वहां पे सिर्फ रीअरेंजमेंट है, कोई सेल डिवीजन नहीं है. इस पे भी नीट में क्वेश्चन आते हैं कि ये दो माइटोसिस है, बाद में के दो मियोसिस है, जिसमें मियोसिस वन और मियोसिस टू आ रहा है. क्लियर बेटा एकदम? चलो आगे बहुत थियरी है, पहले इसको क्लिक कर लो, इसका फोटो क्लिक कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट कर रहा था. आया ना फोटो, एक बार चेक कर लो ध्यान से, परफेक्ट है ना. अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में जो जो पढ़े थे रिपीट करते हैं. प्रथम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स बताओ. डायग्राम में कौन से पार्ट्स थे बेटा? हाँ बोलो, टेस्टीज और जो जो याद आते हैं बोलो फटाफट रैंडमली. टेस्टीज, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. आदित्य क्या मिस कर रहा बेटा? हाँ, यूरेटर ऊपर की तरफ, उसको नहीं लेंगे. अच्छा, और कुछ? पेनिस. पेनिस, हाँ. और एपिडिडाइमिस, वेरी गुड. अच्छा एक हिंट देता हूँ, छोटा सा यूरेथ्रा पे चिपका हुआ फ्लावर जैसा ग्लैंड था, कॉपर्स ग्लैंड. प्रोस्टेट बोला उसने, चलो परफेक्ट.
इसमें से लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा पार्ट कवर किया था? ओपन ग्लैंड। मैंने क्या क्या पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में? स्टार्ट किया था टेस्टिस से और फिर स्क्रोटम, ये दो पार्ट डिस्कस किए थे। बाकी के पार्ट्स का नेमिंग बताया था। अच्छा, मेन जो बाकी के पार्ट्स के नेमिंग बताए थे वो रिपीट करता हूं। स्पर्म बनता कहां पे? टेस्टिस के। स्पर्म कहां बना, कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्म यात्रा। ये जर्नी अच्छे से समझ लो बच्चों। स्पर्म यात्रा में एक जमाने में स्पर्म जर्मिनल एपिथेलियम था, फिर वो विकसित हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बना और डेवलप हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म, फिर वो सर्टोली सेल को चिपका, वहां से नरिशमेंट लिया। अब नरिशमेंट लेने के बाद ये स्पर्म वहां से रिलीज हो जाता है। जब वहां से रिलीज होता है तो ये जाता है रेटे टेस्टिस में। कहां पर है स्पर्म अभी? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद वो जाता है वाजा इफरेंशिया में। कहां जाता है? वाजा इफरेंशिया। अब बताओ वाजा इफरेंशिया के बाद कहां जाएगा? एपिडिडाइमिस। बट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एपिडिडाइमिस के भी तीन टुकड़े होते हैं। हेड वाला पार्ट कैपुट एपिडिडाइमिस, बॉडी इज कॉल्ड एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड द टेल इज कॉल्ड एज कॉडा एपिडिडाइमिस। सो द स्पर्म विल ट्रेवल फ्रॉम कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉडा एपिडिडाइमिस, फिर हो जाएगा वाज डिफरेंशिया। वाजा डिफरेंशिया जो पाइप हमको लंबा दिखता है वो तो 30-40 सेंटीमीटर का। एपिडिडाइमिस जो डायग्राम में छोटा दिखता है वो 6 मीटर लंबा है। बेटा किसी को कोई डाउट है यहां पे? नहीं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू ये है, द साइट ऑफ मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म इज डैश। तो एपिडिडाइमिस लेने, यानी स्पर्म फाइनली मेच्योर। देखो नरिशमेंट वो सेरेटोली सेल से ले रहा है बट उसको भागने के लिए 6 मीटर लंबा रास्ता कौन दे रहा है? एपिडिडाइमिस। सो जो स्पर्म एपिडिडाइमिस से निकल गया यानी वो मेच्योर है, अब वो पूरी तरह से घूमने के लायक है, भटकने के सक्षम है। 6 मीटर अगर वो दौड़ गया ना, यानी फीमेल के अंदर वो दौड़ जाएगा वजाइना से, यूटरस से फेलोपियन ट्यूब तक, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब 10-12 सेंटीमीटर का है, वजाइना हार्डली 7-10 सेंटीमीटर का है, यूटरस का लेंथ 3 इंचेस है, यानी वो भी लगभग 7-8 सेंटीमीटर का होता है। तो ऐसे देखेंगे तो उसको 30-40 सेंटीमीटर ही कवर करना है बट वो ट्रेनिंग लेकर आया है 6 मीटर का। आप समझ रहे हो इसका पोटेंशियल, देख रहे हो कितना बढ़ा दिया एपिडिडाइमिस ने। एपिडिडाइमिस बोला उधर देख तेरे को 30-40 सेंटीमीटर भागना है, इधर मैं तेरे को 6 मीटर दौड़ा दूंगा, और अगर तू 6 मीटर दौड़ गया ना तो तू जिंदा रह पाएगा। हाँ, फिर आगे ये डिपेंड करता है कि कौन सबसे पहले दौड़ेगा, कौन फास्ट पहुंचता है, क्योंकि ओवम से तो सिर्फ एक ही स्पर्म कंबाइन होगा। बताओ नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? 200 से लेकर 300 मिलियन। नॉर्मल स्पर्म काउंट 200 to 300 मिलियन ओनली। समझ रहे हो? क्योंकि मेल के पेनिस में से जो फ्लूइड निकलता है वो फ्लूइड हार्डली 5 ml होता है, उस 5 ml फ्लूइड के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, उनमें से ओवम के साथ कंबाइन होएगा सिर्फ। मैंने कहा था यहां कंपटीशन नीट से भी ज्यादा है बेटा, कि कैंडिडेट कितने हैं? 200 मिलियन से 300 मिलियन। कितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट है बेटा? इनमें से फर्टिलाइजेशन की प्राप्ति सिर्फ एक को होगी बेटा, ये समझा? इतना स्टोरी अपना हो चुका है, अब आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। सब लोग यहां बोर्ड पर देखना। तो सो फार इन ह्यूमन, सौरभ ये क्या है? What is MRS? हाँ, शाबाश। देखो सौरभ कितना होशियार है। शिवम सोच रहा है मिसेस लिखा है। Okay, human male reproductive system. अब इसमें अब तक कहानी कहां तक पहुंची? हमने टेस्टिस के बारे में बात की है। Okay, हमने स्क्रोटम के बारे में बात की है। और तो और हमने इसमें
वाजा इफरेंशिया के बारे में बात किया, फिर उसके बाद हमने वाजा डिफरेंशिया और एपिडिडर्मिस। इतना डिस्कस किया। अच्छा, नंबरिंग के हिसाब से लगाते हैं तो पहले एपिडिडर्मिस आएगा फिर वाजा डिफरेंशिया। चलो ठीक है, इतने पार्ट्स अपने हो चुके हैं। अब अल्टीमेटली स्पर्म है ना वाजा डिफरेंशिया तक जा चुका है। अब उसके लिए प्रॉब्लम है, वो ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है, सोचो न्यूटन चाचा के खिलाफ। अब वो एपिडिडर्मिस से ऐसा वाजा डिफरेंशिया से ऊपर जाएगा, यूरेटर को कॉइल करके नीचे आएगा। डायग्राम इमेजिन कर लेते हैं, रफ में ड्रॉ करूंगा, प्रॉपर नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि इसका डायग्राम मैंने अलग से तुमको बताया था बेटा। मान लेते हैं ये टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडर्मिस, वाजा डिफरेंशिया। अब ये यहां से कॉइल होके नीचे आएगा बेटा। जब ये कॉइल होके नीचे आएगा तो यहां एक जन ऑलरेडी है, कौन है ये? कॉपर्स ग्लैंड, चप, प्रोस्टेट ग्लैंड, चप, देखो अपने बुक में, दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हो भाइयों का। सेमिनल वेसिकल, हाँ, क्या रे तुम लोग, वड़ा पाव को समोसा पाव बोलता है तुम लोग। तो ये सेमिनल वेसिकल है, ओके, ध्यान दिया सबने? अच्छा, अब जब ये सेमिनल वेसिकल से कंबाइन होगा, यहां देखना, सेमिनल वेसिकल का पाइप और वाजा डिफरेंशिया का पाइप आपस में कंबाइन होता है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे आप क्या देख रहे हो कि दो पाइप कंबाइन हो रहे हैं, एक ये वाला पाइप है और एक ये वाला पाइप है, बराबर है बेटा? और फिर ये फाइनली चले जाएगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के आजू बाजू में पेनिस है, स्पर्म अगर वाज डिफरेंस से कॉइल होके अगर यूरेथ्रा में गया, यूरेथ्रा के बाद कोई रोकने वाला नहीं है उसको। यूरेथ्रा इज लाइक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एक गाड़ी भगाएगा इधर, रुकेगा नहीं। अब स्पर्म जब यूरेथ्रा में जा रहा है तो जानता है यूरेथ्रा में अगर पहुंच गया तो वहां से फिर मेल के पेनिस में से बाहर, शरीर से ही बाहर हो जाएगा, जिसको बनने में कितना टाइम लगा तुम देखे ना, बनने में अभी कितना टाइम लगा, क्या क्या डायग्राम बनाए हम लोग, बहुत टाइम लगता है बेटा। अब वो जा रहा है लंबे सफर में। अब जैसे आप कहीं लंबे कहीं जाते हो तो अपने रिश्तेदार से मिलके जाते हो बेटा, स्पर्म भी जाते जाते समाइनल मौसी और प्रोस्टेट चाचा इन दोनों से मिलके जाता है, बोलता है मौसी मैं चल लो गावी हाँ फर्टिलाइजेशन साथी। तो मौसी बोलती है हाँ रुक रुक, तेरे को खाने पीने को देती हूँ, सफर में काम आएगा, मेरा आशीर्वाद है, ऑल द बेस्ट। तुम लोग 200 से 300 मिलियन हो बट जीतेगा सिर्फ एक। सो समाइनल मौसी और प्रोस्टेट चाचा, जैसे हम अपने आस पड़ोस में सबसे मिलके जाते हैं ना कि भाई मैं जा रहा है लंबे तैयारी के लिए जा रहा है, लंबे मिशन के लिए जा रहा है, तो सब लोग अपने को आशीर्वाद देते हैं, वैसे ये जो ग्लैंड्स है। अब यहां मैं लिख देता हूं, आज के क्लास में हम मेन बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स स्पर्म को कौन से ऐसे टुकड़े हैं जो लिक्विड रिलीज करके देते हैं? पहले तो है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो रेड कलर का स्ट्रक्चर बेटा। अच्छा, दूसरा सेमिनल वेसिकल, तीसरा तुमको मालूम है कॉपर्स ग्लैंड कहां पर है? हाँ, काफी दूर है, तुम लोग ऊपर कॉपर्स ग्लैंड बोल रहे थे। देखो कहानी ध्यान से सुनो, थोड़ा इमोशनल है, मैं पढ़ा पढ़ा के ना, मतलब जब सोचता हूँ ना सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। स्पर्म इतना मुश्किल से बना, सोचो ये 20-25 मिनट तो लगा ना बनाने को बेटा, राइट? अब वो तुरंत कैसा यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा, जहां उसका जन्म हुआ है अपनी जन्म भूमि छोड़ देगा बेटा वो, ठीक है? क्योंकि अब वो अपने कर्म भूमि पे जाएगा। अमन तुम हंसना बंद करो, दीवारें हिल रही है बेटा, ओके? अच्छा, अब बात ऐसी है कि उसको जाके अपना कर्म करना है, उसको ओवम से कंबाइन होना है बेटा।
तो अगर वो यूरेथ्रा में गया तो जाने से पहले वो समाइनल मौसी प्रोस्टेट चाचा को बोलता है कि मैं जा रहा हूं मेरी मदद करो। अब मौसी क्या करती है ना, उस पर थूक देती है। ये तुम लोग क्यों हंस रहे हो, इधर इतना इमोशनल बात, थोड़ा हंसना चाहिए बेटा। लोग सब हंस रहे पागल, मारना सबको पकड़ पकड़ के। बेटा आपको मालूम है ये तरीका होता है नजर उतारने का, रहते हो ना भारत देश में, नजर उतारने का एक तरीका है, समझ रहे हो शिवम? तुम्हारी नजर उतारना बेटा ओके अच्छा एनीवे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो एक बात मैं वापस से एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस कहानी में बताए गए सारे पात्र काल्पनिक है, हमारा सिर्फ इंटेंशन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको पढ़े, ठीक है? कोई भी बातें कोई दिल पे ना ले बेटा, ओके? टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अब जब हम कह रहे हैं कि वो थूक दे रही है, यानी समाइनल वेसिकल इज सीक्रीटिंग सम लिक्विड बेटा, करेक्ट? अब उस फ्लूइड को बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, क्या बोलते हैं बेटा? सेमिनल फ्लूइड। अच्छा मौसी को देख के चाचा भी थूक देता है बेटा, अरे यार क्या देश है यार, सब थूक रहे इधर। सो देयर इज प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड देयर इज कॉर्पस फ्लूइड आल्सो। बच्चा एकदम ध्यान से सुनना, ये सब फ्लूइड आपस में मिक्स होते हैं, मेल के पेनिस में से जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज, व्हाइट कलर का फ्लूइड रिलीज होता है, उसको स्पर्म कभी मत बोलना, उसको बोलना सीमेन। क्या बोलना है? सीमेन, ये समझा? अब इस सीमेन के अंदर, ये सीमेन की बनावट, इसका कंट्रीब्यूशन किसने किसने किया है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड, कॉर्पस फ्लूइड, ये समझा? यस। अब जैसे ही समाइनल मौसी उस पर थूक देती है, स्पर्म सवाल करते हैं, मौसी ये क्या कर रही हो, गंदा कर दिया आपने मेरे को। मौसी समझाती है, बेटा ये जो फ्लूइड है ये काम का है, देख स्पर्म तू सेल है, और तू सेल के रूप में अगर आगे बढ़ेगा तेरे को बहुत एनर्जी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्यों ना मैं तुझे ये फ्लूइड दे दूं, तो इस फ्लूइड में तू अपने टेल की मदद से वेव कर करके मस्त में स्लाइड मार के जा। 90 डिग्री का स्लाइड लगाया है तेरे लिए, इसका नाम है यूरेथ्रा, थोड़ा डेंजरस स्लाइड है बट मजा आएगा तुझे। That happens. Looking at that, even prostate gland says, मेरी तरफ से भी थोड़ा फ्लूइड ले लो, कॉर्पस ग्लैंड says, मेरी तरफ से भी फ्लूइड ले लो। अब स्पर्म सिर्फ सेल के रूप में ट्रैवल नहीं कर रहा है, उसको एक वॉटरी मीडियम मिल गया है जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है। बताइए सब लोग, आर वी क्लियर टू क्लियर? अच्छा तो क्या होता है, स्पर्म इज लाइक वाह ये सुन के बड़ा मजा आया, मस्त स्विमिंग करके जाने का, वो भी 90 डिग्री स्लाइड में, एनर्जी भी बचेगा, मौसी और आने दो पानी, तो बोलता है और फ्लूइड रिलीज करो, तब जाके सीमेन एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम पे हार्डली कितना सीमेन निकलता है? 5 ml। बट उस 5 ml सीमेन के अंदर स्पर्म्स कितने होते हैं बेटा? 200 to 300 millions। मिलियन कितना होता है बेटा? बहुत ज्यादा। हाँ जितना हम बायो वालों को गिनती नहीं आती उससे ज्यादा बेटा, समझ जाना। अब ये सब लोग जब फ्लूइड रिलीज कर रहे हैं ना, नीट वाले बच्चे याद रखेंगे, सेमिनल वेसिकल इस फ्लूइड का 70% कंट्रीब्यूट करता है, यानी सीमेन में जितना भी लिक्विड है उसका 70% कंट्रीब्यूशन कौन किया? सेमिनल वेसिकल। इसलिए इस पानी का नाम इसके नाम से रखा है, इनके नाम से नहीं रखा है। एम आई क्लियर? अच्छा और तो और, चलो फ्लूइड दे दिया, यानी जैसे हम गांव जाते हैं तो कैसे हमारे रिश्तेदार हमको पानी की बोतल दे देते हैं कि भाई सफर में प्यास लगेगी तो पानी पीना करके, उसके साथ साथ ये लोग सब स्पर्म को ढेर सारा भर भर के एक और केमिकल देते हैं जिसे कहते हैं। तो स्पर्म पूछता है, मौसी ये फ्रक्टोज क्या है? मौसी बोलती अरे केमिस्ट्री नहीं पढ़ा क्या, ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो जो ओज ओज से खत्म होता है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो सफर के दौरान अगर तुम कहीं थक जाओगे, बैटरी डाउन हो जाएगा, तो इसको खाने का ये तुमको एनर्जी देगा। तो स्पर्म इज लाइक मौसी तुम मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है जाने का। मौसी बोलती है जाने तो लात मारेगी,
तेरा काम है तुझे आगे ट्रैवल करना चाहिए. यूज फ्रक्टोज. नाउ यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट दैट फ्रक्टोज इज ओनली फाउंड इन सीमेन. इंसान के शरीर में फ्रक्टोज सिर्फ और सिर्फ सीमेन में पाया जाता है. बच्चों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और सारी स्टेट टेक्स्ट बुक इसके ऊपर से एक बहुत कमाल का इंफॉर्मेशन लिखती है. क्योंकि फ्रक्टोज सिर्फ सीमेन में पाया जाता है इसीलिए प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इज यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद सेंसिटिव केसेस ऑफ रेप. अब इस बात को ध्यान से सुनो हाँ सब लोग. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. फॉरेंसिक साइंस पहले बेसिक से चालू करते हम सब. हमारे भारत देश में वो सीरियल देखा वो एक ऐसा टकलू अंकल आता है और ऐसा करता है. हाँ वो क्या बोलता है डायलॉग कुछ तो गड़बड़ है. करेक्ट. सीआईडी सीरियल सब देख के बड़ा हुआ है. बहुत मजा आता है क्योंकि सीरियल में लॉजिक ही नहीं होता. ओके अच्छा अब कमाल की बात ये है बच्चों उसमें एक डॉक्टर होता है सालूम के. हाँ उसको बोलते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट. फॉरेंसिक साइंस वो साइंस है जहां बायोलॉजी का ज्ञान क्रिमिनल केसेस में काम आता है. यानी वो आपको बता देगा हड्डी देख के कि ये मेल का है कि फीमेल का है लगभग एज कितनी रही होगी. डेड बॉडी देख के बताएगा टाइम ऑफ डेथ कितने घंटे पहले इसका डेथ हुआ है. सारे ऐसे इंफॉर्मेशन वो बताता है यानी जितना बायोलॉजी समझ पाता है. अब वो इंफॉर्मेशन अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देंगे जैसे कि पुलिस या सीआईडी है तो वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में और बारीकी से क्रिमिनल को कैच कर सकते हैं. हाँ वो बात अलग है कि ये शो में वो जो डॉक्टर सालूम के बताता है वो भी आधा बहुत थोड़ा बहुत फेक बताता है. एक्चुअल फॉरेंसिक साइंस बहुत हाई लेवल है. उसके लिए ये लोग को क्या है एनसीईआरटी और ये सब पढ़ के पहले मेडिसिन क्रैक करना पड़ेगा. तो क्या सीरियल पहले ही बंद हो जाएगा बेटा. ओके सो एक्चुअल फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से आप सुनो ध्यान से. इफ देयर इज अ सेंसिटिव केस ऑफ रेप. सो रेप में कैसा होता है ना कि सबसे पहले जो विक्टिम है उनका एक मेडिकल जांच करवाई जाती है. मेडिकल जांच में कैसे उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पुलिस ऑफिसर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां जो डॉक्टर होते हैं ना वो डॉक्टर क्या करते हैं फीमेल का जनरल बॉडी चेकअप करते हैं. उसमें ना छोटे छोटे पॉइंट्स देखे जाते हैं. फीमेल के कपड़ों के ऊपर से अगर सामने वाले का हेयर मिला या कपड़े के ऊपर से सीमेन मिला सूखा हुआ स्पर्म मिला या तो वजाइना के अंदर से सीमेन मिला या तो स्किन के ऊपर स्क्रैच मार्क्स है इंजरी मार्क्स है फोर्स्ड मार्क्स है. क्योंकि रेप का डेफिनेशन ही है दैट वी आर ट्राइंग टू हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद समबडी विदाउट कंसेंट अगेंस्ट द विल. राइट सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज देयर विल बी फोर्स्ड इंजरी मार्क्स ऑल ओवर द बॉडी. प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं ना वो फीमेल के वजाइना का एग्जामिनेशन और वजाइना के एरिया के आजू बाजू में रेडनेस इन्फ्लेमेशन इंजरी मार्क्स और प्लस वजाइना के अपियरेंस और इंटरनल अपियरेंस उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो वजाइना में इंसर्ट करते हैं. वो इंस्ट्रूमेंट हॉलो जैसे होते हैं उसको स्पेक्यूलम बोलते हैं. ओके वजाइनल स्पेक्यूलम ये सब इंट्रोड्यूस करके जब देखते हैं तो वजाइना का इनर सर्फेस अंडर टॉर्च लाइट नजर आता है. और वो डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं ना कि उनको अगर एक बिना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाला वजाइना दिखाया जाए और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाला वजाइना दिखाया जाए तो वो ऐसे कम से कम हजारों पेशेंट को देख चुके होते हैं. उनको देख के ही पता चलता है इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है. बिकॉज द लोकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन विच कम्स अप इन वजाइना. ओके वो सब कुछ डॉक्टर रिपोर्ट करता है कि हाँ वजाइना में रेडनेस है इंजरी मार्क्स है इन्फ्लेमेशन है थोड़ा ठीक है और वहां से फ्लूइड डिस्चार्ज मिला है वो फ्लूइड स्पर्म है सब चीज वो मेंशन करना चालू करता है. अब बात ऐसी है कि मान लेते हैं वजाइना के अंदर एक फ्लूइड है वो फ्लूइड को ये फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं उसको निकालते हैं. जैसे कि मान लेते हैं कोविड कोरोना में हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस होता है तो पता है वो टेस्ट में वो लोग क्या करते थे एक स्टिक इंट्रोड्यूस करते थे नाक में उस पर कॉटन लगी होती थी फिर एक स्टिक इंट्रोड्यूस करते थे माउथ में
यानी दूसरा स्टेक का सेम स्टेक नहीं इंट्रोड्यूस कुछ लोग ऐसा रहते हैं क्या बोल रहे हैं हां थोड़ा एडजस्ट करने का ना समझा करो बेटा बात को ओके हां तो क्या होगा जो म्यूकस रहेगा वो कॉटन में चिपक जाएगा बेटा अच्छा फिर उस म्यूकस में डॉक्टर्स चेक करेंगे कि कोरोना का वायरस है कि नहीं उसी प्रकार वजाइना के अंदर अगर कोई फ्लूइड है तो उसको कॉटन में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सो कोई ना कोई मटेरियल डाल के वजाइना को स्क्रेप करते हैं उसका फ्लूइड निकालते हैं और उस फ्लूइड में चेक करते हैं कि उस फ्लूइड में फ्रक्टोज है कि नहीं और हमने जानकारी क्या देखी है कि फ्रक्टोज सिर्फ और सिर्फ कौन से फ्लूइड में पाया जाता है सीमेन में उसके अलावा फ्रक्टोज और कहीं नहीं पाया जाता तो अगर कोई वुमेन बोल रही है कि सर मेरे साथ गलत हुआ है राइट मेडिकल जांच में पता चला है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं उनके बॉडी के ऊपर फोर्स्ड इंजरी मार्क्स है वजाइना के एग्जामिनेशन से पता चलता है कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ है प्लस वजाइना के अंदर जो फ्लूइड मिला है उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि रेप हुआ है क्लियर विद दिस बेटा अच्छा इसीलिए ना हर विक्टिम को ये याद रखना चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव मामले में ओके टू बी वेरी सीरियस बच्चों ये समझ लो कि विक्टिम को कभी भी ना रिपोर्ट में डिले नहीं करना चाहिए कि मान लो आज इंसिडेंट हुआ है आप दो दिन बाद जाके पुलिस को बताओगे और दो दिन में आपने नहा लिया आपने बॉडी को क्लीन कर लिया देखो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं श्रेयस का हाथ एकदम टाइट पकड़ लेता हूं ठीक है या तो फिर मान लेते मैं उसके हाथ को मरोड़ देता हूं एकदम जोर से तो उसके हाथ में ग्रीनिश ब्लूइश मार्क बनेगा रेडिश मार्क बनेगा बेटा अब ये अगर मान लेते दो हफ्ते बाद आके बोलता है कि अवस्थी सर ने मेरा हाथ पकड़ा एकदम जोर का मेरे को दुख रहा है करके तो अभी तो रेडिश मार्क नहीं रहेगा ना करेक्ट तो अगर कोई भी विक्टिम ऐसे मामले में डिले करता है ना तो कैसा है कि फाइंडिंग्स जो है वो चले जाते हैं और केस कमजोर हो जाता है इसीलिए हर विक्टिम को याद रखना चाहिए कि ये तुरंत का तुरंत नोटिफाई करना चाहिए और सबसे पहले मेडिकल जांच हो जानी चाहिए मेडिकल जांच से पहले कपड़े चेंज नहीं करने चाहिए मेडिकल जांच से पहले आपको बेदिंग आपको नहाना नहीं चाहिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट आइए बच्चों मैं आपको अब ना एक नेक्स्ट एस्पेक्ट भी बोलता हूँ देखो कैसा है ना कि कानून हमारा देश का कानून ये बहुत अच्छा है कि गर्ल्स के खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं जो गलत बातें होती हैं उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है ये बहुत अच्छी बात है बट एवरी साइड हैज टू कॉइंस इन सम ऑफ द केसेस इट हैज ऑल्सो बीन सीन दैट कि जहां पे लॉ का यूज होता है वहां लॉ का मिसयूज भी हो सकता है मिसयूज आप समझ रहे हो क्या मतलब मिसयूज यानी क्या हो सकता है इसमें ज्यादा से ज्यादा हाँ करेक्ट और तुमने खुद ने भी सुना होगा ना कि ऐसा आजकल होता है कि मान लेते हैं कोई एक गर्ल जानबूझ के एक फेक केस फाइल कर रही है उनका खुद का कोई इंटरनल इंटरेस्ट या फायदा है उस रीजन के लिए तो एक गर्ल सपोज फॉर एग्जांपल जो भी उनका फायदा हो ठीक है राइट अच्छा हम लोग ये सारे किस्से में कोई भी किस्से का पक्ष या फिर उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हम लोग खाली इन जनरल सब बातें डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऐसा भी होता है ओके क्योंकि हम लोग को कोई जेंडर या कम्युनिटी को या फिर किसी विक्टिम को या किसी अक्यूज्ड को फेवर या तो फिर हम लोग को उसके अगेंस्ट नहीं ये डिस्कस करना है बिकॉज ये क्या ऑन रिकॉर्ड बातें हैं बेटा तो हम लोग चाहेंगे कि ये बातें एकदम क्लियर और सिंपल रहे ठीक है ये किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट में ना जाए बट ऐसी भी बातें होती हैं कि कई बार गर्ल्स क्या करती है ना ये फेक केसेस फाइल करती है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन अब अगर मान लेते हैं सिर्फ फ्रक्टोज टेस्ट किया सिर्फ फ्रक्टोज टेस्ट एक लड़की ने एक लड़के पे गलत आरोप लगाया वो लड़के को पुलिस पकड़ती है वो लड़का कहता है कि ये गलत बोल रही है और आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो आप मुझे सबूत बताइए पुलिस उसको रिपोर्ट दिखा देती है ये देख रेप का टेस्ट पॉजिटिव आया है अब वो लड़का हो जाता है परेशान अब वो परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बोर्ड्स के लेवल का लड़का था उसने नीट नहीं पढ़ा क्योंकि इतना घुस घुस के बोर्ड्स में नहीं आता बेटा अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉइंट है कि रेप डिटेक्शन केसेस में फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जस्ट फॉर एन इमेजिनरी एग्जांपल ठीक है लेट्स से वो गर्ल ने ओके शी गोज टू सम मेडिकल शॉप वहां से या फिर कोई शॉप से वो हनी खरीद लेती है हनी के अंदर भी फ्रक्टोज होता है केमिस्ट्री कहता है फ्रूट जूसेस में भी फ्रक्टोज होता है
बट फ्रक्टोज इंसान के शरीर में सिर्फ सीमेन में पाया जाता है बेटा। तो अगर कोई इस तरह का लिक्विड जिसमें फ्रक्टोज है वो लिक्विड में कॉटन डिप करके अगर वो फीमेल वजाइना में इंसर्ट कर देती है उसे और वजाइना को हल्के से एक बार कोट कर देती है फ्रक्टोज से और फिर जाके किसी लड़के के गले पड़ जाती है, ठीक है, अपने कपड़े अपड़े फाड़ के वो चिल्लाती है, सीन क्रिएट करती है, लोगों को लगता है इसने गलत किया इसके साथ। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन पब्लिक इज कोई भी ऐसा किस्सा होता है तो पब्लिक जो सोचती है या मीडिया जो दिखाती है वो होता नहीं है, ये याद रखो। द बेस्ट इंटेलेक्चुअल बॉडी डिसाइडिंग दिस इज कोर्ट, बिकॉज कोर्ट हैज ऑनरेबल कोर्ट हैज सुपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो लोग फैक्ट्स देखते हैं, वो लोग बातें नहीं देखते, इमोशंस नहीं देखते, रियल फैक्ट्स देखते, नॉलेज देखते। अब लोगों के सामने ऐसा किस्सा क्रिएट किया जाएगा तो लोग क्या समझेंगे, किसने गलत किया? लड़के ने। बिना पूछे, बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी जजमेंट के वो लड़के को पहले तो धो डालेंगे, करेक्ट है ना, रास्ते पे उसको धो डालेगी पब्लिक। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद धोने के बाद उसको पुलिस में दे देंगे, पुलिस उसको पूछेगी, इन्वेस्टिगेशन, बातें करेगी, धोएगी, शांत ओके। अच्छा देखिए, अब क्या हो जाता है ऐसे मामले में, उसका तो डैमेज हुआ ना लड़के का, ठीक है, मार भी पड़ी, ठीक है, उसका इज्जत भी गया, करेक्ट, लोगों के सामने उसकी बदनामी हुई। अच्छा, और प्लस रिपोर्ट में भी ये पॉजिटिव आया। अब इस मामले में कैसा है कि ये रिपोर्ट तो फॉल्स हो गई ना, इसीलिए अगर सिर्फ फ्रक्टोज को मान के चले तो ये स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिपोर्ट स्पर्म डिटेक्ट कर रही है कि फ्रक्टोज? फ्रक्टोज तो हर जगह पाया जा सकता है, और जैसा कि मैंने आपसे एक इमेजिनरी एग्जांपल बोला, सपोज उस महिला ने कोई फ्रक्टोज वाला लिक्विड अपने वजाइना में इंसर्ट किया होगा, तो अगर हम लोग वो मेडिकल ऑफिसर को बोले कि आप डिटेल जांच पड़ताल करिए, आपको चलो लिक्विड मिला ना उसमें फ्रक्टोज मिला, आप देखो उसमें स्पर्म है कि नहीं। अच्छा, अगर स्पर्म होगा तो उसका न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस होगा तो उसका क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम होगा तो डीएनए होगा, तो आप वो स्पर्म का डीएनए इस अक्यूज्ड लड़के के साथ मैच कर लो, जिसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर डीएनए मैच हो गया तो आप सजा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट बच्चों? प्लस उसके साथ साथ आप पूरा जनरल बॉडी एग्जामिनेशन करो। जनरल बॉडी एग्जामिनेशन में जब एक इंसान खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, खुद के कपड़े फाड़ता है या फिर खुद को इंजरी देता है, ब्लेड से काटता है, तो उन निशानों का डायरेक्शन उन निशानों के डायरेक्शन से मैच नहीं करता जो एक सामने वाला आपको देता है। आप समझ रहे हो? जैसे अगर कोई मुझे मार रहा है या कोई अगर मेरे खिलाफ असॉल्ट कर रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, फिजिकल इंजरी दे रहा है, तो मैं अपने को जिस हिसाब से बचाऊंगा, या वो मेरे कपड़े खींचेगा, नाखून से मेरे को स्क्रेप करेगा, उसका डायरेक्शन और मैं खुद जो बनाऊंगा। सपोज फॉर एग्जांपल श्रेयस ने मेरा हाथ खींचा, मेरा शर्ट फाड़ने का कोशिश किया, तो ये नाखून का डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा, और मैं अगर अपने खुद के बॉडी पे बनाऊंगा तो मैं यूजुअली उसको अपवर्ड्स बनाऊंगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स, वी डोंट एक्सपेक्ट दैट कि इन तरह के फेक केस वालों को ये सारी जानकारी होती है, इनको ये सब नहीं पता होता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स कैच किए जाते हैं। प्लस वजाइना के एरिया का एग्जामिनेशन भी ये दर्शाता है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी बात जब टोटैलिटी में ली जाती है तब हमको पता चलता है कि कुछ कुछ मामलों में जहां कानून का यूज भी होता है वहां कानून का मिसयूज भी होता है बेटा, ये समझे? एनीवे, बट वो सारा लीगल एस्पेक्ट तो चलो रहने देते, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। हाँ, हमारे नीट के हिसाब से इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेप केसेस में, फॉरेंसिक केसेस में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से कौन सा केमिकल काम आता है? फ्रक्टोज। मैं क्लियर विद दिस बेटा? अच्छा, कमिंग बैक टू स्पर्म यात्रा, स्पर्म लंबे सफर पे जा रहा है, समाइनल मौसी, प्रोस्टेट चाचा, लोग सब उसको लिक्विड दिया भर भर के, ठीक है, प्लस उसको फ्रक्टोज दिया खाने को, स्पर्म खुश हो गया, बोला मेरा मौसी और चाचा बहुत अच्छा है। तभी ये ग्लैंड उसको बोले रुक, और एक चीज देता हूं लेकर जा, इस केमिकल का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिंस। ध्यान से सुनना, स्पर्म बोलता है ये कौन सा यंत्र है, तो बोलते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल है, इसको आप अपने बॉडी पे एक परफ्यूम की तरह स्प्रे कर लीजिए। तो स्पर्म बोलते हैं क्यों, सुगंध आएगा? बोलते हैं नहीं, सुगंध नहीं आएगा। अगर आपके आजू बाजू में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का लिक्विड है तो आप जिस पाइप से जा रहे हो
वो पाइप स्मूथ मसल्स की बनी होती है और प्रोस्टाग्लैंडिन स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। स्पर्म को समझता नहीं, स्पर्म बोलता हेलो मैं न्यूरॉन नहीं हूं, इतना हाईफाई बायोलॉजी मत बोलो, मुझे समझ में नहीं आता है, सिंपल सिंपल बताओ। बोलता है कि इसको अपने शरीर पे छिड़क लो, जिस पाइप में से जाओगे वो पाइप खुद धकेलेगा आपको आगे की तरफ, आपका एनर्जी और बच जाएगा। स्पर्म बोलता है वाह ये तो और मजेदार है, तो छिड़कना नहीं, निला दो मुझे इससे, पूरा प्रोस्टाग्लैंडिन दे दो। अब याद रखना यूरेथ्रा पूरा का पूरा स्मूथ मसल का बना है, वजाइना का जो इनर वॉल्स है वो भी स्मूथ मसल्स की बनी होती है। सो इसी सीमेन के अंदर इसमें फ्रक्टोज भी है, इसमें स्पर्म भी है, इसमें वाटर भी है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी है। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है ना, ये स्पर्म को और तेजी से आगे की तरफ धकेलता है। सो वी कैन से दैट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटा? हाँ, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सब लोग सुन रहे हैं ना एकदम ध्यान से बेटा? ओके, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके अल्टीमेटली सीमेन बनाते हैं। अब स्पर्म यहां से निकल चुका, स्पर्म बोलता अब तो बहुत मजा आ गया, अब कॉन्फिडेंस डबल हो गया, अब तो ओवम को फर्टिलाइज कर ही देना है। अब ये जा रहे होते नीचे, तभी इनको एक और मिलती है, कौन? काउपर मौसी। तो मौसी चिल्लाती बोलती बेटा पैर नहीं छूओगे, मुझसे मिलके नहीं जाओगे? तो स्पर्म बोलता अरे मौसी वो आप छोटे से हो ना, आप दिखे नहीं बाकी सब दिख गए। तो बोलती है रुको मैं भी तुमको फ्लूइड देती हूँ, इसको बोलते हैं काउपर्स फ्लूइड, और ये फ्लूइड अल्कलाइन होता है। कैसा होता है? तो स्पर्म बोलता अब आप कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, नहीं समझ रहे। बोलते ये पानी मेरा जो फ्लूइड है लेकर जा, ये अल्कलाइन है, इससे तेरा फायदा होएगा, वो तेरे को खाने पीने को फ्रक्टोज ये सब दिया मालूम है, जानती हूं मैं सब, बट बोला है कि हम मेल्स में एक गड़बड़ वाली बात है कि ये जो लंबा सा पाइप है यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं यूरिनो जेनिटल डक्ट। यूरिनो जेनिटल डक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसी पाइप से, इसी ट्यूब से यूरिन भी पास होता है और इसी ट्यूब से सीमेन भी पास होता है बेटा। यहां पर यूरिनरी ब्लैडर लगा ना, तो इसमें जब यूरिन भर जाएगा तो यूरिन भी इसी में से जाएगा, और ये लोग जो स्पर्म बना रहे टेस्टिस वो स्पर्म भी इसी में से जाएगा। सो स्पर्म बोलता है ये तो मेरे को मालूम है, ये तो हाईवे है ना, तो सब गाड़ी इधर से जाता है। तो मौसी बोली शट अप, बड़ों के सामने जबान नहीं लगाते, बात ध्यान से सुनो, जब यूरिन यहां से जाएगा तो पूरा यूरेथ्रा अंदर से एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यूरिन का पीएच एसिडिक है। स्पर्म बोलता तुम मैं क्या करूं, बोलता मैं क्या करूं, क्या मैं क्या करूं, अगर तू डायरेक्ट कूद ही मारेगा ना, तो जैसे सपोज ये मेल ने यूरिन पास किया, फिर उसके बाद लेट से कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनट के बाद अगर वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है तो उसी यूरेथ्रा से स्पर्म जाएगा। अब यूरेथ्रा का इनर वॉल्स यूरिन से कोटेड है, उसने जो यूरिन पास किया थोड़ा बहुत यूरिन वो इनर वॉल्स में कोटेड रहेगा, वो यूरिन एसिडिक होता है, और स्पर्म जैसी एसिडिक मीडियम को टच करेगा ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंस्टेंट ब्लास्ट। स्पर्म ले लेगा अरे ये तो मारने की साजिश हो रही है। तो मौसी बोली इसलिए तो रुकाया तुझे, और तू मेरे पे जोक मारता है छोटी हो मौसी दिखी नहीं करके पागल। ओके, अब ये फ्लूइड लेकर जा, ये फ्लूइड अल्कलाइन है, तो जब भी अगर यूरेथ्रा के अंदर यूरिन पास हो चुका होगा और पूरा का पूरा पैसेज अगर एसिडिक होगा तो काउपर्स ग्लैंड का फ्लूइड क्या करता है, उस पैसेज को अल्कलाइन कर देता है, ताकि एसिड और अल्कलाइन सब्सटेंसेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। एम आई क्लियर बेटा? यहां पे छोटी छोटी बातों का देखो कितना फंक्शन है, और कुदरत ने प्रोबेबली बहुत सोच समझ के इसको बनाया हुआ है। ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट, ठीक है, मस्ती मजाक तो मैं तुम्हारे साथ इन जनरल करते रहूंगा, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट पर्सनली, नथिंग विल बी पर्सनल बेटा, ठीक है। बट एक बात मैं तुमसे बहुत सीरियसली कहना चाहूंगा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में इतने सालों से जब सिखाता हूं ना, ओके, मैं जब भी ऐसे बात करता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इन जनरल बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों को बाकी के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रिप्रोडक्शन इज अ वल्गर टॉपिक, रिप्रोडक्शन इज अ चीप टॉपिक, वैसा कुछ नहीं होता है। आप देखो हर पर्पस के पीछे इट इज जस्ट अ सिस्टम, जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने हर चीज पढ़ा, यूरिन तक पढ़ा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्टूल्स पढ़ा, इंटेस्टाइन पढ़ा, स्टमक पढ़ा, वैसे इट इज जस्ट अ सिस्टम ऑफ द बॉडी।
जहां पे हर फ्लूइड, हर स्ट्रक्चर, हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन है। एम आई क्लियर बेटा? चलिए तो ये यहां तक हो गया। यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज यूरिनो जेनिटल डक्ट बिकॉज इसी ट्यूब से क्या क्या पास होता है बेटा, यूरिन एंड सीमेन। अच्छा अब ये मत सोचना किसी भी मेल में, सुनो ध्यान से, किसी भी मेल में ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे यूरिन भी जाएगा सीमेन भी जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। या तो एट अ टाइम यूरिन जाएगा या तो सीमेन जाएगा, यानी किसी एक कंटेंट को पहले जाना ही, साथ में कभी भी जाएगा नहीं। ओके नेक्स्ट, मेल यूरेथ्रा, इधर देखना ध्यान से, मेल यूरेथ्रा होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फीमेल यूरेथ्रा एनीबडी नोज, यस 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सक्रीशन चैप्टर में सिखाया था ना, सबको ये सिंबल मालूम है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, अब मेल यूरेथ्रा का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर और फीमेल यूरेथ्रा का लेंथ 4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा आपको 20 माले की बिल्डिंग चढ़कर जाना है, अगेंस्ट दैट आपको 4 माले की बिल्डिंग चढ़कर जाना है, कौन सा इजी है? 4 ना। वैसे मान लो अगर आप बैक्टीरिया हो, आपको 4 सेंटीमीटर असेंड करके ऊपर जाना है, आपको 20 सेंटीमीटर असेंड करके ऊपर जाना है, कौन सा डिफिकल्ट होगा और कौन सा इजी होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं ना, देयरफॉर हेंस यूरिनरी इंफेक्शन इज मोर कॉमन इन, बताओ क्या, वुमन। कौन बोला ये वुमन? बहुत मार खाएगा, मीम की भाषा में बात मत करो बेटा, ठीक है, इट इज मोर कॉमन इन फीमेल, ये समझे। अच्छा नेक्स्ट, अब ये जो मेल यूरेथ्रा है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेल यूरेथ्रा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं साइड में, तुमने डायग्राम में देखा होगा, मैंने जो डायग्राम भेजा था ग्रुप में उसमें ही मैंने नेमिंग कर दिया था। देखो एक यूरेथ्रा का पार्ट तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जाता है। अच्छा प्रोस्टेट ग्लैंड का 2 इंफॉर्मेशन दे देता हूं, सिलेबस में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये टोटल इसके अंदर 5 अलग अलग टुकड़े होते हैं, 5 लोब्स का बना होता है, अप्रोक्सीमेट इसका वजन होता है 11 ग्राम और अगर इफ इन केस इस पे सूजन आ गया, इसको प्रोस्टेटोमेगैली बोलते हैं, इसको बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी बोलते हैं कभी कभी। जब भी एक मेल बूढ़ा होता है ना और अगर उसको ऐसी शिकायत आ रही है कि उसको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, या तो यूरिन पास करने के बाद भी उसको ऐसा लग रहा है अभी भी थोड़ा यूरिन रह गया है, वो फिर जाता है यूरिन पास करने, कुछ आता नहीं, या थोड़ा यूरिन पास होता है फिर भी उसको लगता है अभी भी यूरिन रह गया है। देखो नॉर्मली जब तक हम लोग यंग रहते हैं ना, पासिंग यूरिनेशन इज फन, यू गो एंड पास यूरिन यू फील रिलैक्स, यू फील दैट हाँ चलो नाउ आई एम डन, अब 5-6 घंटे की फुर्सत। बट प्रोस्टेट पेशेंट के लिए सोचो वो यूरिन पास करके आएगा ना, उसको फिर भी ऐसा सेंसेशन रहता है कि नहीं अभी भी यूरिन बाकी है, अभी भी यूरिन पास करना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोग यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है, बाय द टाइम दे गो टू वॉशरूम काफी ज्यादा यूरिन पास हो चुका होता है। ऐसा कभी भी किसी बूढ़े मेल में अगर शिकायत आएगी तो आपको समझ जाना है कि उसका प्रोस्टेट ग्लैंड पे सूजन है, दिस इज इन्फ्लेम्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। सोनोग्राफी करवाते हैं ना तो प्रोस्टेट ग्लैंड का वजन 11 ग्राम से ज्यादा आता है बेटा, ये याद रखना। और अगर ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होगा ना तो प्रोस्टेट का सर्जरी करना पड़ता है। ओके अच्छा कमिंग बैक, अब ये अगर प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके अंदर से जो यूरेथ्रा जा रहा है बच्चों इतना, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हुआ नंबर 1। अच्छा फिर उसके बाद ये जो यूरेथ्रा है यहां तक पेनिस तक, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा,
ये वाला देखो यहां तक, फिर बाकी का जो यूरेथ्रा है वो तो पेनिस में से पास होता है ना बेटा, ये सिलेंड्रिकल ऑर्गन पेनिस, तो इतने वाले यूरेथ्रा को बोलते हैं पीनाइल यूरेथ्रा। चलो लिख देते हैं, तीन पार्ट्स कौन से हैं, नंबर वन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, नंबर टू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, नंबर थ्री पीनाइल यूरेथ्रा। सब लोग सुन रहे हैं एकदम ध्यान से बेटा, नेक्स्ट देन कमिंग टू द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज पेनिस। पेनिस इज एक्सटर्नल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, सो इट इज एक्सटर्नल मेल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। कॉप्यूलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अच्छा सब लोग एक बात याद रखो कि पेनिस इज नॉट अ बोन, पेनिस कोई हड्डी का नहीं बना है, ओके, इट इज नॉट अ बोनी स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स में, बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे आर्टिकल्स में पेनिस से रिलेटेड ये लिखते हैं कि पेनिस इज हार्ड, पेनिस इज बिकम अ बोन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं होता है, पेनिस के अंदर कोई हड्डी नहीं होती, ओके। अब उसके पीछे का साइंस बताता हूं क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटेशन पेनिस में तीन तरह के चेंजेस आते हैं, जिसको हमारा टेक्स्ट बुक यूजली बोलता है थ्री ईज ऑफ पेनिस। नंबर वन द लेंथ ऑफ पेनिस इंक्रीजेस, दैट इज सॉरी द साइज ऑफ पेनिस इंक्रीजेस, दैट इज एनलार्जमेंट। द लेंथ इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एज एलोंगेशन। मैं यहां लिखते जाता हूं बेटा, देखो ध्यान से। And the position of penis changes, which is called as erection. जब एक मेल सेक्सुअली एक्साइटेड नहीं होता है ना, तो उस टाइम पे पेनिस का लेंथ छोटा होता है, पेनिस का साइज पतला होता है, और पेनिस यूजुअली डाउनवर्ड पॉइंटिंग होता है। बट जब एक मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होता है ना, तो उसके पेनिस में तीन तरह के बदलाव आते हैं। अब ये बदलाव क्यों आते हैं, इसके पीछे का साइंस हमको ये कहता है कि अगर हम लोग पेनिस के अंदर देखें तो हमको यह पता चलता है कि पेनिस के अंदर तीन अलग अलग नरम वाले टिश्यू होते हैं। सब लोग यहां ध्यान से देखना बेटा, जो टिश्यू साइड्स में है ये दोनों, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो एकदम बीच में होता है इसे बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। सब लोग पहले ये बाय हार्ट करो, आजू बाजू में जो है उसका नाम क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ध्यान से सुना, कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस के अंदर नरम स्पंज जैसा मटेरियल है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। हजार बार एमसीक्यू आता है इस पे, विच इज द सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड पेनिस, फिर भी बच्चे लोग कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना मार्क करके आते समझ रहे, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना किधर मिड ब्रेन में, तो पहले ही बता रहा हूं ऐसा फालतू मिस्टेक नहीं करने का, हम टीचर को कितना बुरा लगता है मालूम है, बायो का मर्डर हो जाता बेटा। सो कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड सेंटर में जो है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये समझे बेटा। अच्छा अब बात नहीं, वो बच्चे आधा रटते ना, वो सोचते कुछ तो था कॉर्पोरा से, अब तुम लोग हंस रहे हो क्योंकि तुमको एग्जैक्ट पता है कि भाई वो मिडब्रेन में था, तुमको नेमिंग पता है, जिसको नहीं पता रहता उसको लगता है कि हाँ होगा कुछ, ओके, तो उनको लगता है कॉर्पोरा कॉर्पोरा सेम होएगा, याद रखने का। अब इसका वर्किंग कैसे मालूम है, पेनिस में ना ये तीन बदलाव आता है, और कुदरत ने देखो इसमें भी कैसा है ना कि ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब एक मेल सेक्सुअली उत्तेजित होता है, व्हेन अ मेल गेट सेक्सुअली एक्साइटेड, ओके, और मेल और फीमेल के बीच में जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने वाला होता है, तो पेनिस में इस तरह तीन तरह के बदलाव आते हैं। अब इन तीन बदलाव के बाद अगर इस मेल का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाता है,
देन कम्स द फोर्थ ई विच इज कॉल्ड एज इजैक्युलेशन. इजैक्युलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सीमेन. नाउ अब देखो बच्चों एक ऐसी बात है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर उससे इसको इमेजिन करिए. सपोज फॉर एग्जांपल यहां एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है. अब इस पाइप के अंदर और तीन पाइप है, अंदर दो बड़े बड़े पाइप है और बीच में एक पतला वाला पाइप है. बट आप बाहर से देखोगे तो आपको तो सिर्फ सिलेंड्रिकल पाइप दिख रहा है ना. तो मैं क्या करता हूं, इस पाइप को यूं स्ट्रेट कर देता हूं. तो जब आपकी तरफ पॉइंटिंग है, ओके, और पाइप को मैं कट कर देता हूं, आगे का टुकड़ा हटा देता हूं, तो आपको कट सरफेस दिखेगा. सो कट सरफेस में आपको ऐसे दो पाइप और यहां एक पतला पाइप दिखेगा. ये दो पाइप जो है ये है कॉर्पोरा, पक्का क्वाड्रीजेमिनम. हाँ, कॉर्पोरा कैवर्नोसा. और बीच वाला पाइप है कॉर्पस स्पॉन्जियोसा. ये समझा? आप देखो कैसा होता है मालूम है, यही पाइप को अगर हम लोग पेनिस से कंपेयर करें, एक्सटर्नली पेनिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही दिखेगा, बट पेनिस को जब कट किया जाता है और उसके कट सरफेस को देखा जाता है, तब पता चलता है अच्छा ये दो नरम वाले टिश्यू यहां है और एक नरम वाला टिश्यू यहां पर है, और ये सारे टिश्यू एकदम खाली होते हैं. इनको साइनस बोलते हैं. साइनस यानी एम्प्टी स्पेस. जब एक मेल सेक्सुअली एक्साइट होता है ना, तो बच्चों इसमें ढेर सारा ब्लड फ्लो होता है, यानी पेनिस की तरफ और ब्लड आता है. अब आप लोग ये इमेजिन करो कि मैं आपको जो पाइप दिखा रहा हूं उसमें तीन पाइप है, बट रादर आप ये इमेजिन करो वो जो अंदर तीन पाइप है ना, वो पाइप नहीं बलून है. वो नहीं बर्थडे में या शादी के बाहर ऐसा लंबा लंबा बलून आता है, वैसा वाला इमेजिन करो. दो लंबे वाले बलून है और एक लंबा है बट पतला वाला बलून है. तो ये दो जो है वो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और जो बीच वाला है वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. नाउ फॉर अ व्हाइल इमेजिन इन बलून में से अगर मैंने हवा निकाल दिया, तो ये जो तीन बलून आपकी तरफ पॉइंट कर रहे थे और एकदम टाइट थे, अब एकदम लूज हो जाएंगे. और लूज और एकदम ही ज्यादा टेंशन चले जाने की वजह से ये ड्रॉप डाउन हो जाएंगे. तो वही होता है जब एक मेल सेक्सुअली एक्साइटेड नहीं होता ना, तो पेनिस का लेंथ छोटा होता है, साइज पतला होता है और पेनिस डाउनवर्ड पॉइंटिंग होता है. अब आप सोचो जब ये तीनों बलून में जो नीचे की तरफ आप पॉइंट कर रहे हैं एकदम फुस हो चुके हैं, अब इसमें जैसे ही मैं हवा भरूंगा तो दो बलून स्ट्रेट टाइट हो जाएंगे एकदम, तीसरा उसके नीचे आ जाएगा, तो ओवरऑल ये पाइप का लेंथ बढ़ जाएगा, जैसे बलून का लेंथ बढ़ जाएगा, दैट इज एलोंगेशन. इस पाइप का साइज बढ़ जाएगा क्योंकि बलून में हवा भर रही है तो साइज बढ़ेगा, दैट इज एनलार्जमेंट. और ये इरेक्ट पोजीशन में आ जाएगा बच्चों. अब इतना डिफरेंस याद रखना कि जिस तरह से बलून में हवा भर रही है वैसे इन स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई होता है. जब एक मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तब मेल के पेनिस में ज्यादा ब्लड आता है और वो ब्लड जब इन टिश्यूज में भर जाता है, एट दैट टाइम द पेनिस विल अंडरगो थ्री ई. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, एनलार्जमेंट इज इंक्रीज इन साइज, एलोंगेशन इज इंक्रीज इन लेंथ, इरेक्शन इज रिलेटेड टू पोजीशन, एंड इफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट टेक्स प्लेस देन दिस विल बी अकंपनीड बाय द फोर्थ ई विच इज कॉल्ड एज इजैक्युलेशन इज रिलीज ऑफ सीमेन. ये समझा बेटा? अच्छा यहां पर कहीं पर भी हमने कैल्शियम या हड्डी की बात की है क्या? सो पेनिस में कोई भी हड्डी जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये याद रखना. ओके चलिए मूविंग ऑन. अब ना अगला टॉपिक और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यस इट इज वेरी नॉलेजेबल. अब होता ऐसा है, हमने डायग्राम में देखा है कि पेनिस का जो टिप होता है ना उसको ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं. नेक्स्ट, ग्लैंड्स पेनिस जो है वो कवर्ड होता है एक स्किन से, उस स्किन को फोरस्किन बोलते हैं. फोरस्किन पे एमसीक्यू आता है. फोरस्किन का दूसरा नाम है प्रेप्यूस. क्या नाम है? प्रेप्यूस. ओके अब मैं तुमको ये डायग्राम के हिसाब से बताता हूं बच्चों. जब भी हम लोग पेनिस ड्रॉ करते हैं ना, तो पेनिस का जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है यानी आधे से ज्यादा पेनिस, इसको बोलते हैं शाफ्ट ऑफ पेनिस. फिर उसके बाद पेनिस का जो लास्ट का पार्ट है ना थोड़ा सा स्वोलन होता है, और ये जो लास्ट का टिप है ना जो थोड़ा सा स्वोलन है इसको बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ग्लैंड्स. हाँ, अब इस ग्लैंड्स पेनिस पे और बीच में से यूरेथ्रा पास होता है बेटा. अब ये पूरा का पूरा पेनिस खुद ना स्किन से कवर्ड है,
बट बेटा अब इतनी जो स्किन है ये लास्ट वाली, ये पेनिस को पूरा कवर करके रखती है। इस स्किन का ये जो लास्ट का हिस्सा है इसको बोल रहे हैं फोरस्किन और पेप्यूस। अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझ लो, जैसे लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल ये मार्कर, अब इस मार्कर का जितना व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये शाफ्ट ऑफ द पेनिस, और इसका जो कैप वाला पार्ट है ना जो थोड़ा फूला हुआ है, ये ग्लैंड्स पेनिस है। अब आप सोच लो अगर मेरा हाथ पूरी तरह से मार्कर को कवर कर लेता है तो ये तो स्किन है, बट इस स्किन में से ऊपर वाला स्किन जाने दो ये वाला, बट ये वाला स्किन सोचो जो सिर्फ ग्लैंड्स पेनिस को ढक रहा है उसको बोलना है फोरस्किन और प्रिप्यूस। और देखो ये स्किन सब तरीके से ढक रहा है ना गोल, इसलिए हम लोग ने ऐसा गोल बनाया थ्री डायमेंशनली, करेक्ट है। ओके, अब इस मार्कर को हम लोग एक पेन की तरह इमेजिन कर लेते हैं, या तो आप एक पेन या तो आप एक लिपस्टिक की तरह इमेजिन करो। लेट्स से एक पेन का ये निप है अंदर का और ये पेन का कवरिंग है। अब ये पेन का वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि जो कवरिंग है ना टिप पे, उसको अगर मैं पीछे क्लिक करता हूं ना तो ये पीछे आके ऐसा सेटल हो जाता है, निप एक्सपोज हो जाता है। अब उसकी मदद से फिर मैं लिखता हूं और जब मेरा काम हो गया तो मैं ये टिप को वापस से यहां ले आता हूं ताकि वो निप कवर हो गया। अब एक मेल के पेनिस में ऐसा ही होता है, ये जो आगे वाली स्किन है इसको बोलते हैं फोरस्किन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिप्यूस। अब जब एक मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है, ओके, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये फोरस्किन पीछे की तरफ स्लाइड करना चाहिए और फिर आगे की तरफ आ जाना चाहिए। अब इसका क्लियर कट रिलेशन है एक मेल के पेनिस के हाइजीन से। एक मेल जैसे अपने नॉर्मल बॉडी पार्ट्स को क्लीन करता है, वैसे बायोलॉजी ये कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन इज इंपॉर्टेंट, तो उसमें एक मेल को हमेशा अपने पेनिस के टिप के स्किन को पीछे स्लाइड करना चाहिए, और जैसे ही ग्लैंड्स पेनिस एक्सपोज हो जाए तो उस पर जो भी व्हाइटिश डिपॉजिट होता है, जो भी लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज होते हैं और जो भी डीकम्पोज्ड फ्लूइड होते हैं वहां पे बैक्टीरिया और फंगस लगता है, इसलिए मेल को बार बार पेनिस पे इचिंग, रेडनेस ऐसी तकलीफें आ सकती है। तो इसलिए उसको हमेशा फोरस्किन को पीछे स्लाइड करके, ग्लैंड्स पेनिस को वाटर से क्लीन करके अपने फोरस्किन को वापस से नॉर्मल प्लेस पर ले आना चाहिए। दिस इज व्हाट इज नॉर्मल। बट इन सर्टन केसेस, मान लो अगर इस पेन का मैं ये स्लाइडर जितना भी पीछे करने की कोशिश कर रहा हूं, ये स्लाइडर जाम हो गया, स्टिफ है, ये पीछे आ ही नहीं पा रहे, वैसे ही मेल्स में होता है, इस बीमारी को बोलते हैं फाइमोसिस। फाइमोसिस वो कंडीशन है जहां पे फोरस्किन कैन नॉट स्लाइड बैकवर्ड्स। दूसरा कंडीशन सुनो, ये फोरस्किन पीछे आ ही नहीं पा रहा, यानी ये पेन खुल ही नहीं पा रहा, लिपस्टिक का जो स्लाइडर है ना मैं पीछे लेने की कोशिश कर रहा हूं ताकि लिपस्टिक एक्सपोज हो, बट ये आ रहा ही नहीं पीछे, ये स्किन बहुत टाइट है। कुछ मेल्स में ऐसा होता है कि पीछे अगर आ गया ना फिर ये इसको आगे लाने की कोशिश करते हैं तो आता ही नहीं आगे, जब ये आगे नहीं आ पाएगा ना वापस तो इसको बोलते हैं पैराफाइमोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? पैराफाइमोसिस में फोरस्किन कैन नॉट स्लाइड, ये बैकवर्ड्स है ना, सो इट कैन नॉट स्लाइड ऑन द फ्रंट साइड, वापस आगे नहीं आएगा बेटा। अब ये दोनों केसेस में डॉक्टर्स एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं जिसको बोलते हैं सर्कमसीजन। अब ये मैं सिखाऊंगा नहीं, ये तुम लोग रीड करो, दिस विल बी योर होमवर्क एंड यू विल पोस्ट इट इनटू द कमेंट सेक्शन कि सर्कमसीजन क्या होता है। और सर्कमसीजन बहुत सारे रिलीजन और बहुत सारे स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से भी किया जाता है, तो आप सर्कमसीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रीड करना और मुझे आने वाले क्लास में उस बारे में बताना अगर कोई डाउट होगा, तो वैसे आप रीड करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। अब बात ऐसी है, फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस जो है ना, अगर इसको करेक्ट नहीं किया, वैसे तो डायरेक्टली डॉक्टर सर्कमसीजन नहीं करते, डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, तरह तरह की जेली जेल जैसे क्रीम आते हैं वो लिख के देते हैं पेशेंट को, बोलते हैं रोज अपने पेनिस के टिप पे अप्लाई करने का और फोरस्किन को थोड़ा थोड़ा स्लाइड करने का पीछे, और कुछ दिनों में स्लाइड होने लगेगा अगर किसी का स्लाइड नहीं होता है तो। बट अगर वो वर्क नहीं करता है ना तो सर्कमसीजन इज द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज अगर ये नहीं किया देन इट कॉजेस डिस्पेरेओनिया। डिस्पेरेओनिया को हम लोग बोलते हैं पेनफुल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट।
जब एक मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फीमेल्स के लिए पेनफुल होता है. फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फीमेल्स के लिए पेनफुल होता है, वो भी एक्सेसिवली पेनफुल नहीं होता, इट इज स्लाइटली पेनफुल. बट उसके बाद कैसा है ना, उसका भी रीजन है जो मैं तुमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा. ओके, क्योंकि फीमेल के वजाइना से ब्लीडिंग होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. बट मेल्स के लिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पेनफुल नहीं होता है. अगर किसी मेल के लिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पेनफुल है तो उसका एक रीजन हो सकता है कि उसका फोरस्किन स्लाइड नहीं कर रहा है, उसका फोरस्किन इलास्टिक होना चाहिए. सो जब एक मेल पेनिस के थ्रू, ओके, व्हेन द पेनिस पेनिट्रेट्स द वजाइना, सो अगर फोरस्किन स्लाइड नहीं हो रहा है तो मेल को हर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पेनफुल होगा. वन सेकेंड, शायद यूरिनेशन में भी तकलीफ हो सकती है. ओके, इसलिए हर पेरेंट्स को इनफैक्ट ये ध्यान रखना चाहिए कि जब लड़का पैदा होता है तो लड़के को जब निलाया जाता है तो उसके पेनिस के टिप के स्किन को पीछे की तरफ स्लाइड करके क्लीन करके फिर आगे की तरफ स्लाइड करना चाहिए. और धीरे धीरे ये जनरल नॉलेज हमको है ना सारे मेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि फोरस्किन को स्लाइड करना इंपॉर्टेंट होता है. ओके, अच्छा, अदर देन दिस वी हैव अनदर कंडीशन विच इज कॉल्ड एज ऑर्काइटिस. आइटिस मतलब इंफ्लामेशन. This is inflammation of testis. ऐसे अगर मैंने तुमसे कहा पेशेंट को एपिडीडाइमाइटिस है, अब इंफ्लामेशन कहां पर होगा? एपिडीडाइमिस में. समझ रहे हैं ना सब लोग? अच्छा, बट अगर इन केस पेशेंट हैज बेलेनाइटिस, बेलेनाइटिस इज इंफ्लामेशन ऑफ ग्लैंड स्पिन्स. Then there is another condition called as postitis. Postitis is inflammation of foreskin. और balanopostitis यानी glands penis पे भी सूजन है और foreskin पे भी सूजन है. Okay? अब जो जो words लिख रहा हूं वो तुम्हारे homework रहेंगे. एक circumcision, दूसरा balanitis, postitis. इसके बाद you will find out for the next class what is वेरिकोसील, वॉट इज हाइड्रोसील, वॉट इज हिमाटोसील एंड वॉट इज अ टॉर्शन टेस्टिस. यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और टेस्टीज और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करेंगे. ये सारी जो बीमारियां हैं आप इसका सिर्फ इमेजेस चेक करिएगा गूगल पर, ठीक है? और मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना कि हमको ये सारे वर्ड्स से स्टार्ट करना है और फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ हो चुका है. ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो सिलेबस में नहीं है, ये मैंने खाली तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए दिया है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं. इसका फोटो ले लो बेटा. Mangalore.